What's up guys, this is your friend Vishal and welcome back to my channel. बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बाइक मॉडिफिकेशंस के बारे में वीडियोस बनाने की, सो ये वीडियो बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में होने वाली है। गाइस, आप में से बहुत लोग अपनी बाइक मॉडिफाई कराना चाहते होंगे, बट मॉडिफिकेशन कराने से पहले हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एज पर द रूल्स, क्या क्या चीज़ें लीगल है एंड क्या क्या चीज़ें इलीगल है, सो ये वीडियोस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में होने वाला है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स, हम क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करा सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई नहीं करा सकते। सो गाइस, सबसे पहले विल टॉक अबाउट जो मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ द एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशंस। गाइस, आरटीओ के कुछ रूल्स हैं, आप एग्जॉस्ट मॉडिफाई नहीं करा सकते हो अपना। अगर आपका एग्जॉस्ट ज़्यादा लाउड है, आपका एग्जॉस्ट ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो आप पे कभी भी उसका चलान हो सकता है। सो गाइज, आई एडवाइज यू, आप कभी अगर अपना एग्जॉस्ट मॉडिफाई कराएं तो ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट मत लगाइए, बिकॉज आपको अगर कभी भी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो आपका वो चलान कर सकते हैं। अगर आपका साउंड ज़्यादा होगा तो वो इजीली नोटिस में आ जाएगा और कभी भी आपको ट्रैफिक पुलिस रोक सकती है और उस पर वो आपका चलान भी कर सकती है। सो द सेकेंड मॉडिफिकेशन जो लोग करवाते हैं, कई लोग करवाते हैं अपने बाइक में इंजन मॉडिफिकेशन। एज पर द रूल, आप अपने इंजन में भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते। सो इस चीज़ का ध्यान रखें मॉडिफिकेशन कराने से पहले कि आप अपने इंजन के साथ कोई भी छेड़खानी ना करें, बिकॉज आरटीओ की तरफ से ये भी गाइस लीगल नहीं है। गाइस, थर्ड मॉडिफिकेशन जो आप नहीं करा सकते वो है चेसी मॉडिफिकेशन। गाइस, चेसी एक स्ट्रक्चर होता है बाइक का, एक ढांचा होता है बाइक का, जिस पे आप मॉडिफिकेशंस नहीं करा सकते। लाइक कई लोग अपनी जैसे स्ट्रक्चर में चेंजेस करके गाइड सीट की हाइट ऊपर या नीचे करा, तो चेसीज मॉडिफिकेशंस इज नॉट अलाउड। जो चेसी मॉडिफिकेशन कराना इलीगल है, आप चेसी के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आप चेसी के साथ छेड़खानी करते हो तो वो फिर एक इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा। चेसी मॉडिफिकेशन के लिए बाइक की लेंथ बढ़ाते हैं या घटाते हैं। गाइस, कंपनीज जब भी कोई बाइक बनाती है तो उसको सारी क्वालिटी मेजर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगर हम उसमें छेड़खानी करेंगे तो लाइक वो हमारे लिए ही लाइक इट्स नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज हमारे लिए ही एक रिस्क है, बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रख के ही कंपनीज कोई भी बाइक मैन्युफैक्चर करती है। सो चेसी में मॉडिफिकेशन करना भी इलीगल कैटेगरी में ही आता है। फोर्थ मॉडिफिकेशन जो बहुत ही कॉमन है और काफ़ी लोग पूछते हैं कि उस मॉडिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, एंड दैट इज़ द कलर चेंज। हम अपनी बाइक का कलर चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। गाइस, इसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि नो, हम अपनी बाइक का कलर चेंज नहीं करा सकते। बट उसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। लेट सपोज़ हमारी आरसी में जो कलर लिखा गया हम उससे ही मिलता वही कलर अपनी बाइक में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे कि हमारी आरसी में कलर ब्लैक है और हम रेड कराना चाहते हैं, सो नहीं गाइस, आप वो नहीं कर सकते। उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, आपको आरटीओ ऑफिस जाके अपनी आरसीज में वो कलर अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी बाइक में कलर करा सकते हैं। बट बिना अपने आरसी में अपडेट कराए आप कोई कलर चेंज नहीं कर सकते। सो गाइस, द फिफ्थ मॉडिफिकेशन जो बहुत लोग कॉमनली कराते हैं अपनी बाइक में, दैट इज़ हूटर हॉर्न्स। हम कोई भी प्रेशर हॉर्न्स हूटर्स अपनी बाइक में नहीं लगा सकते, वो भी इलीगल है। कई लोग लगा, आपने देखा होगा यार, आपके आसपास कई लोग लगा के घूमते हैं। गाइस, वो इलीगल है। अगर आपको कभी भी ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपका इस चीज़ में चलान कर सकती है। सो हॉर्न लगाना, हूटर लगाना, इट्स नॉट लीगल। एंड वैसे भी यार, एक नॉर्मल हॉर्न ही आई गेस हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज प्रेशर हॉर्न से और लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो हमें और लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और एक नॉर्मल हॉर्न ही यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ माय ओपिनियन, ये मुझे लगता है। एंड द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ जो एक बहुत ही कॉमनली मॉडिफिकेशन आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, वो प्लेट्स के साथ मॉडिफिकेशंस। कई लोगों ने आपने देखा होगा जिसमें उनका नंबर इतना विजिबल नहीं होता, उसके अलावा वो कुछ और मेंशन उसमें करवा देते हैं। दैट इज़ नॉट लीगल गाइस,
अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो इसमें भी आपका चलान हो सकता है। आपका नंबर शुड बी विजिबल, आपका नंबर दिखना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई नंबर प्लेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका नंबर विजिबल नहीं है, सो दैट इज़ इलीगल गाइस, वो एक इलीगल कैटेगरीज में आती है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट, अगर आप मॉडिफाई करा रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए एंड प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन ना कराएं जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी में कोई असर पड़े। सो सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। सो कोई भी मॉडिफिकेशन कराइए बट सेफ्टी के साथ। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक और मॉडिफिकेशंस के ऊपर वाली है। हमने अपनी बाइक में कुछ नया मॉडिफाई कराया, सो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। एंड यस गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।